हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी ऑनलाइन गेमिंग की है? अगर आपने कभी ऑनलाइन गेमिंग की है तो आपने बहुत बार सोचा होगा कि आखिर ये ऑनलाइन गेमिंग काम कैसे करती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये ऑनलाइन गेमिंग काम करती कैसे है। तो आप ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है भारत चौधरी, आप देख रहे हैं निशान बात। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, जब कभी आपने ऑनलाइन गेमिंग की होगी तो आपने देखा होगा जैसे ही हम उसे प्ले करते हैं तो उसमें नीचे एक बर्फिंग चलती है 0 से 100 तक। तो आखिर वो बर्फिंग चलती क्यों है? क्योंकि उस गेम के अंदर बहुत सारी फोटोज को जोड़कर एक बैकग्राउंड बना देता है और एक मेन कैरेक्टर बना देता है। जब हम उस गेम में आगे जाने के लिए बटन दबाते हैं तो मेन कैरेक्टर तो वहीं का वहीं रहता है, मगर कि पीछे के बैकग्राउंड में जो फोटोज होती है वो आगे पीछे सकती है। तो ऑनलाइन गेमिंग में यही होता है, जब वो बर्फिंग चलती है तो उसके अंदर वो सारी फोटोज डाउनलोड होने के लिए लगी रहती है। जब वो डाउनलोड होती है तो हमारा गेम प्ले के लिए आ जाता है। तब हम उसे प्ले करते हैं तो सारी फोटोज हम गोली चलाते हैं तो उसमें बुलेट की साउंड जोड़ दी जाती है और उसकी फोटो जोड़ दी जाती है और आगे पीछे जाने के लिए बटन दबाते हैं तो उसका बैकग्राउंड आगे पीछे जाता है। ऑनलाइन गेमिंग में सिर्फ यही होता है और ऑफलाइन गेमिंग में भी यही होता है। और ऑनलाइन गेमिंग के अंदर वो एक टेम्परेरी फाइल होती है जो कुछ समय के लिए आपकी कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाती है और आप उसे फोटोज को आगे पीछे सकते, मतलब गेमिंग करके उन्हें जब हम वेबसाइट को क्लोज कर देते हैं तो सारी फोटोज हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है। ऑनलाइन गेमिंग में सिर्फ यही होता है और ऑफलाइन गेमिंग में भी सेम यही होता है, मगर ऑफलाइन गेमिंग में हम उन फोटोज को परमानेंटली हमारे पीसी में डाउनलोड कर लेते हैं, मगर ऑनलाइन गेमिंग में हम उसे टेम्परेरी डाउनलोड करते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग और ऑफलाइन गेमिंग में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। आप ऑनलाइन गेमिंग खेल सकते हैं, उसके लिए आपके पीसी सिस्टम रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग ज़्यादा बड़े गेम नहीं होते, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड इस समय इतनी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट स्पीड इस समय सिर्फ 1 GB/s है, उसकी स्पीड के अंदर हम ऑनलाइन गेमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि गेम अगर बड़े गेम होंगे तो वो बहुत ज़्यादा साइज में होंगे। इसीलिए सभी गेम ज़्यादातर गेम ऑफलाइन में आते हैं और कुछ गेम्स ऑनलाइन में आते हैं। तो यही डिफरेंस है ऑनलाइन गेमिंग और ऑफलाइन गेमिंग में। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया कि वो ऑनलाइन गेमिंग कैसे काम करती है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेके आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन।